अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर की तरफ, क्योंकि आज लगी है हेल्थ एशिया एक्सपो और मुझे मेरी दोस्त ने ख़ास तौर पे इनवाइट किया है कि यार फायज़ा तुमने ज़रूर आना है। आज उसका स्टॉल लगा है और उसने मुझे कहा कि यार देखो, हर बार मैं तुम्हारे लिए आती हूँ तो इस बार तुमने मेरे लिए लाजमी आना है। तो मैं अभी अभी ऑफिस से फ्री हुई हूँ और मैं बस जल्दी जल्दी में निकली हूँ। तो जी हम चलते हैं, देखते हैं कैसा है और कौन कौन सी कंपनीज आई हैं। सो लेट्स गो। हॉल 5 में अंदर होते ही सबसे पहले मैं बायोस के बूथ पे ही रुक गई। यार व्हाट अ वंडरफुल बूथ, कितना ज़बरदस्त इनका डिज़ाइन हुआ हुआ होता है। इनके पास जो है वो सारे रेडियोलॉजी इक्विपमेंट होते हैं। अब मैं मौजूद हूँ लैब सर्व पे और जहाँ पे मुझे ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम मिसाल पीरजादा है। मिसाल पीरजादा। ओके, मैं सर्विस इंजीनियर हूँ लैब सर्व कंपनी से। ठीक है, और आपने पढ़ा कहाँ से? यूनिवर्सिटी बैच 2020 बायोमेडिकल। मतलब मेरे जूनियर हो तुम। ठीक है, तो यार उन लोगों के लिए ये मैं जवाब देती हूँ कि देखो, सर सैयद के लोग आते हैं और हायर हो जाते हैं। मैंने व्लॉग बनाया था सर सैयद यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत हिट हुआ था और लोग सवाल करते थे क्या जॉब मिलती है, तो तुम बता दो इसका जवाब। ये जॉब मिलती है आपको मार्केटिंग इंडस्ट्री में, आपको सेल्स इंडस्ट्री में, आपको टेक्निकल इंडस्ट्री। बिल्कुल, मैं खुद मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पे जॉब कर रही हूँ। एग्जैक्टली, तो अगर आप टेक्निकल बंदे हैं, अगर इंजीनियरिंग, मेरे इंजीनियर दोस्तों से ये सवाल है और ये एडवाइस है कि अगर आप लोग इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नॉलेज रखते हैं तो आपसे बेहतर मार्केटिंग सेल्स मैनेजर और कोई नहीं है। बिल्कुल। ओके, तो तुम्हारी जो कंपनी है वो किस चीज़ में डील करती है? तो हमारी कंपनी एक डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज को इंस्ट्रूमेंट्स एंड इक्विपमेंट्स एंड फर्दर रिएजेंट्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, सप्लायर हो आप लोग? जी हम सप्लायर हैं, हमारे पास यूरोपियन, अमेरिकन एंड काफ़ी टॉप टीयर पाइनियर ब्रांड्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि हम पाकिस्तान में सप्लाई करते हैं और आपके सेल्स सर्विस भी देते हैं उसकी, और एक कंप्लीट सोल्यूशन। ओके, तो आज हमारे पास यहाँ पे है हेमेटोलॉजी एनालाइजर। हेमेटोलॉजी एनालाइजर। ठीक है, हेमेटोलॉजी क्या होती है तो क्या आप बता सकते हैं? जो इस मशीन में आपका CBC टेस्ट रन होता है, आपके RBC, WBC, प्लेटलेट्स और जो तमाम MCV, MCH और 3-part differential, if you come close and near the screen, so I will tell you this is the specification of the instrument or the innovation technology which comprises this amazing machine is that एक पेशेंट की फिंगर प्रिक करके लैंसेट से और उसके 2 drops ऑफ ब्लड से हम उसका CBC रिजल्ट टेस्ट कर सकते हैं। आपने जस्ट फिंगर प्रिक करनी है और इसकी गिवन चैम्बर्स में अपने ब्लड कलेक्ट कर लेना है। ये गिवन चैम्बर्स स्पेसिफिक रीजन के लिए हैं, ये RBC के लिए है, ये WBC के लिए है, ये प्लेटलेट के लिए और ये हेमोग्लोबिन के लिए। ठीक है, और इन चारों का स्पेसिफिक अलग रिक्वायर्ड लाइस एंड सॉल्यूशन गिवन है। इसमें आपने इंसर्ट कर देना है, शेक कर देना है, उसके बाद इसके कैप ओपन करके ये काउंटिंग चेंबर में, ये तो वन टाइम यूज होगा ना, ये वन टाइम फॉर। ठीक है, ये आपने काउंटिंग चेंबर में इंसर्ट कर देना है। ठीक है, इससे आपने प्रेस कर देना है। प्रेसिंग से ये होगा कि जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो आपके पास काउंटिंग चेंबर्स में आ जाएगा और ये काउंटिंग चेंबर एज अ माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स एक्ट करेंगी। जब आप उसको इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर प्लेस करेंगे तो ये इसके अंदर कैमरा लगा है जो इसकी सेल नहीं, इसके अंदर ही ये 10-inch की LCD है। ठीक है, ये कितने आपको रिजल्ट देगा? इसी के अंदर रिजल्ट देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सेल इमेजेस की सूरत में, दूसरा हिस्टोग्राम्स की सूरत में। ठीक है, और ये 4 simple स्टेप्स हैं, सैम्पलिंग, फिटिंग, प्रेसिंग, लोडिंग एंड दिस इज द रिजल्ट यू विल गेट। So you don't a small laboratory with a low workload doesn't need a pathologist who can carry out the accreditation for the microscopic slide. उनको रिमोट एरियाज़ के लिए बेस्ट है, एम्बुलेंस सर्विसेज के लिए बेस्ट है और ऑपरेशन थिएटर्स के लिए बेस्ट है, जहाँ पे आपको 90 minutes as
के लिए वेट नहीं करना पड़ता, आप फौरन टेस्ट लगा सकते। तो तुम लोगों ने पाकिस्तान में जैसे ईसा लेबोरेटरी है, इसके अलावा खान है, इनमें से कहीं अभी तक गया है आपका इंस्ट्रूमेंट? वी आर करंटली इन आवर इंट्रोडक्टिव फेज, ठीक है, और हमारी इवैल्यूएशन भी चल रही है पाकिस्तान में एक्जिस्टिंग हेमेटोलॉजी एनालाइजर्स कहाँ कहाँ मतलब आपने अभी इंट्रोड्यूस करवाया है अपना, कहाँ कहाँ किस किस ब्रांड के लगे हैं उनके साथ कोरिलेशन चल रही है। वंस वी आर डन वी विल श्योरली गेट यू नो and we will you know market it to the next level so that we are more confident and we shall provide you the best service. Mujhe ye andaaza hua hai ki students kitne confident aur ye ki kitne acche se cheeze aapko guide karte hain. Very nice, tumne bahut acha samjhaya. So much, it's a huge compliment for me and I'm sure you love to visit us. Bilkul bilkul, I really like it. Thank you so much. हॉस्पिटल वाले हों या कंपनी वाले हों, यहाँ पर सभी के सब मौजूद थे। और मैंने जो ये व्लॉग शूट किया है ये फॉर स्टूडेंट्स था कि बायोमेडिकल इंजीनियर्स को ये पता हो कि कौन कौन सी कंपनीज़ होती हैं, और आप लोग भी इन एक्सपो में आया कीजिए ताकि आप लोगों को मालूम हो कि किस कंपनी के कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और आपको कहाँ कहाँ जॉब मिल सकती है। शफकत सर्जिकल पाकिस्तान मुझे एक कंपनी नज़र आई जिनके पास सारे के सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद थे, लाइक वो इंस्ट्रूमेंट्स जो कि सर्जरी में यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप की सीजर्स वगैरह होती हैं। इसके अलावा इनके पास अल्ट्रासाउंड मशीन भी हमें नज़र आ रही है, और साथ ही साथ इनके पास था इंक्यूबेटर जो कि आप देख सकते हैं, ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। तो यार मुझे मिल गए मेरे यूनिवर्सिटी के लोग, सो दिस इज़ सो नाइस कि आप कहीं पर होते हैं और आपको आपकी यूनिवर्सिटी के लोग मिल जाए तो उसकी एक अलग खुशी होती है। तो आओ चलते हैं आगे, आगे देखते हैं और कौन कौन है। मैं जा रही थी अपनी दोस्त से मिलने, तो मैं भूल ही गई, बाय। मैं अब उसको कॉल मिला रही हूँ ताकि मुझे ये पता चले कि वो कहाँ पर है। ये रहा हॉल 2 और अब हम जाते हैं हॉल 2 में। इसने मुझे गलत जगह बताई थी। अलसंस, वाओ, ये तो एंटर होते ही मुझे दिख गए। और ये रही मेरी दोस्त क्यूटी सी, फ्रंट पे देखेगी तो मज़ा आएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, सो क्यूट। हाँ हाँ, इस तरफ आओ ताकि ना लाइट आए, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ओह माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। आओ हम गले। ओके, तो मेरे लिए क्या लाई है? जैन ने मुझे दिया है डायरी और पेन, आपकी कंपनी का। थैंक यू सो मच। सिर्फ 5 दिन और आपने नहीं कॉन्फिडेंस से। थैंक यू, बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह से। तुम्हारे आगे मैं तो बूढ़ी बूढ़ी सी लग रही हूँ। चलो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या 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 है। मुझे प्लैटिनम वाले भी नज़र आ रहे थे। और अब मैं मौजूद हूँ प्लैटिनम कॉर्पोरेशन के बूथ पे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनके पास बहुत सारे इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जैसे कि पेशेंट मॉनिटर, एनेस्थीजिया मशीन, ओटी लाइट, डिफिब्रिलेटर, सिरिंज पंप, इन्फ्यूजन पंप, वेंटिलेटर्स, सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। ये बेसिकली जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि हॉस्पिटल्स में जितनी चीज़ें सप्लाई होती हैं सब कुछ यहाँ पर मौजूद है। और मैं यहाँ पर आई थी बेसिकली एक सर से मिलने के लिए, और उन्होंने मेरे लिए जो रिमार्क्स पास किए मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने जल्दी से जैनब को पकड़ाया कैमरा और रिकॉर्ड कर लिया। 2 साल पहले मेरे पास आई थी सीवी लेके, और मेरे साथ सीवी आपको फाइजा एंड इंटरव्यू, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। मुझे यकीन था कि फाइजा जो इस वक्त एक्सप्रेशन दे रही है, जो इस वक्त कॉन्फिडेंस है, ये इसका कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशन जो है ना, इसको बहुत आगे ले जाएंगे। और मेरी दुआएं भी इसके साथ हैं कि ये जहाँ भी होगी खुश रहेगी, वो खुदा करेगा ये और तरक्की करेगी। और आई एम कॉन्फिडेंट कि ऐसे बहुत कम कैंडिडेट आते हैं मेरे पास जिनके असेसमेंट हम ऑन रिकॉर्ड दे देते हैं। थैंक यू। तो यहाँ पे हमें जो है वो सलीम हबीब यूनिवर्सिटी का भी स्टूडेंट मिला है। आप मुझे ये बताएं सलीम हबीब यूनिवर्सिटी कैसी है बायोमेडिकल के हिसाब से?
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ठीक है, क्वालिटी वाइज अगर देखे जाए तो हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है। बिल्कुल, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको, जो हमारी फैकल्टी के टीचर्स हैं ना, उनमें बहुत अच्छे टीचर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा जो जो हमारे पास इक्विपमेंट मौजूद है हमें पढ़ाने के लिए, लाइक जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन का कोई वो है हमारे पास, तो उसमें हमारे पास बहुत सारे लाइक क्या कहते हैं उसको इक्विपमेंट्स मौजूद है जिससे हम प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकते हैं। इसीलिए हमारी लैब अगर आप विजिट करेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि हम हमारी लैब किस तरह के वेल डेवलपिंग। आपके सर जीशान है वो? जी, डॉक्टर जीशान हमारे बेसिकली वो सर सैयद की एक्स फैकल्टी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी, हमारे पास दो तरीके से 3D प्रिंटर है। ठीक है, जो पहले वाला था वो इतना एडवांस नहीं था, जो अभी अभी जो आया वो एडवांस है, और लाइक वो उसकी जो है ना क्या कहते हैं टाइमिंग बहुत अच्छी है, एक चीज़ होती है। और इसके अलावा जो लाइक हमारे इसी तरह जैसे आप सोच रहे होंगे कि हम प्लेटिनम कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट करें तो कैसे हम यहाँ आ गए, बिल्कुल, तो बेसिकली हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जब भी लाइक बस में बी एम ई अगर आप जानते हैं तो बेसिकली बस में बी एम ई अपॉर्चुनिटी शेयर हुई थी प्लेटिनम कॉर्पोरेशन की तरफ से, तो हमने उसमें अप्लाई किया था, हमारा इंटरव्यू हुआ था, हम तकरीबन 7 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था अपनी यूनिवर्सिटी के अपनी एक ही क्लास के बेस पर, और साथ ही साथ अलहमदिल्ला इंटरव्यू क्लियर करके ट्रेनिंग सेशन के लिए गए थे 2 दिन के। ठीक है, और 2 दिन के ट्रेनिंग सेशन में उन्होंने बताया कि डिफरेंट इक्विपमेंट्स कौन से जो कि प्लेटिनम कॉर्पोरेशन डील करता है और मैंड्रे से वो इम्पोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अलहमदिल्ला हेल्थ एशिया में हम बस प्लेटिनम कॉर्पोरेशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अलहमदिल्ला बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। माशाल्लाह वेरी नाइस, और आपकी जर्नी सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी अभी तो स्टार्ट हुई है बेसिकली, लेकिन जो आपने थोड़ा बहुत भी बताया है कि आप सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से किस तरह प्लैटिनम में आए हायर हुए, तो उसके लिए मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। चलने जाना भाग्य, चलो चलते हैं फिर हॉल 1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्योंकि हमें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब का जो है वो बैग कहीं गायब हो जाए।
आज की वीडियो और मज़ा आया, मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि किस किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी जॉब मिली हुई है, फील्ड में किस तरह का काम चल रहा है, कौन किस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स मिलते हैं। और यार मैं असल में यूनिवर्सिटी अपनी ऑफिस से एक्चुअली यार मैं ऑफिस से ना बहुत लेट निकलती हूँ क्योंकि टाइम हो जाता है, 5 तक ऑफ होता है, फिर आप जब तक घर पहुँचते हो तब तक चीज़ें एंड हो रही होती हैं। तो अब यहाँ पे सब कुछ वाइंड अप हो रहा है इससे पहले कि एक्सपो वाले हमें भगाएं, यहाँ से निकालें। मेरा ख्याल है कि मुझे चलना चाहिए और घर के लिए निकलना चाहिए। तो आप लोग रखिएगा अपना ख्याल और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई या और क्या चीज़ें आप जानना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।